माई चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आज आपके सामने एक और रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, है गुड वाइब्स के विटामिन ई हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन। अकॉर्डिंग टू कंपनी, दिस प्रोडक्ट इज बेसिकली मेड फॉर ऑल स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज रिच इन विटामिन ई, दैट्स इज वेरी गुड फॉर नरिशिंग योर स्किन। तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सी बटर, विटामिन ई, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट, लेवेंडर एक्सट्रैक्ट, आलमंड्स ऑयल, सैंडलवुड एक्सट्रैक्ट, रोज एक्सट्रैक्ट एंड फ्रेगनेंसेस, अदर फ्रेगनेंसेस भी हैं। दिस इज़ पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री एंड क्रिटल फ्री। सो इसमें इतने सारे एक्सट्रैक्ट है ना, तो इसकी जो स्मेल है ना, डर जैसी आती है। सारी जो स्मेल्स है ना, सैंडलवुड एंड लेवेंडर ने उसको सप्रेस कर रखा है। आपको सिर्फ या तो आपको इसकी स्मेल सैंडलवुड जैसी लग सकती है, चंदन जैसी लग सकती है, या तो फिर लेवेंडर जैसी लगती है। मुझे फ्रेगनेंस थोड़ी सी तेज है, इतनी तेज़ फ्रेगनेंस मुझे पसंद नहीं है स्पेशली। बट ये है कि थोड़ी देर लगाने के बाद वो फ्रेगनेंस इतनी ज़्यादा आपको फील नहीं होती, बट जब आप लगाते हो तो एकदम से आपकी बॉडी में बहुत अच्छी स्मेल आती है इसकी, पर हाई स्मेल आती है। इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस वाले लोशन मुझे पसंद नहीं है। ऑल स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, और समर्स, विंटर्स एंड मानसून सब में यूज़ कर सकते हैं। बट ड्राई वाले के लिए शायद ये विंटर्स में उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रनी है, इतना चिकनापन है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा, पर इतना ज़्यादा हाइड्रेट करके रखता है। बहुत पीच वाले से ज़्यादा बेस्ट अच्छा ऑप्शन है ये, अगर मैं बताऊँ तो पीच वाले से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ये वाला। मुझे ये इससे ज़्यादा पसंद आया। हाइड्रेशन को 12 आवर्स तक लॉक रखता है, बिल्कुल लॉक रखता है। इतनी अच्छे से मॉइस्चराइज होती है ना आपकी स्किन, A1 बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज होती है। आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं इसको लगाने के बाद, और आपको एक बार लगा गया और डन, उसके बाद दोबारा किसी बॉडी लोशन को लगाने की जरूरत नहीं, कुछ लोशन, हैंड क्रीम वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत मुझे फील होती ही नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें चीज़ें ही कुछ ऐसी हैं जो आपकी स्किन को इतने अच्छे से मॉइस्चराइज करती हैं। बट मुझे इसकी सिर्फ एक चीज़ पसंद नहीं आई, दैट इज़ फ्रेगनेंस। मुझे इसकी फ्रेगनेंस नहीं पसंद आई, बहुत ज़्यादा हाई फ्रेगनेंस है। मुझे फ्रेगनेंस से ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो वो उसको ट्राई कर सकते हैं। पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी है, पॉकेट फ्रेंडली है, ये यहाँ से लॉक हो जाता है, आप इसको कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो इसको लेकर, ठीक है। ये इसका स्मॉल पैकेजिंग है, इसके बड़ा और बड़ा पैकेज भी आता है, पर मैंने इसका छोटा वाला लिया था। ये 120 ml का पैक है। जो MRP है वो है 155 rupees, वेरी अफोर्डेबल अकॉर्डिंग टू वेट, प्राइस इज वेरी अफोर्डेबल। एंड द सेल्फ लाइफ इस 2 years, इसको हम 2 years तक यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल सीजन में यूज़ कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर इसको आप फेस पे यूज़ नहीं कर सकते, इसको आप सिर्फ बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप अपने बच्चों पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मैं इसको फेस के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी, ऑयली स्किन के लिए तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली एंड ग्रीसी फील करेगी अगर आप इसको फेस पर यूज़ करते हैं तो ये फेस के लिए नहीं है बाबा, इसको फेस पर यूज़ नहीं करना। ठीक, मैं आपको दिखा दूँ, पंप पोर्टल है, ओ गॉडनेस, ज़्यादा निकल आया वो, देखो कितनी रनिंग कंसिस्टेंसी है। मतलब मैंने डाला और वो बहने लगा, बहुत ही ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी है। पर ये है कि बहुत ही ज़्यादा ये थिन है, थिन इतनी जल्दी, आप जो बताओ आपकी स्किन में इतनी जल्दी, बहुत इसको यूज़ किया था, आई फील लाइक आई एम यूजिंग वाटर ऑन माई बॉडी। मतलब बहुत ही अच्छा बॉडी लोशन, इसी शाइन देखो, शाइन ये देखो कितना, कुछ तो लाइट की वजह से भी शाइन कर रहा है। ऑफकोर्स प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। 24 hours तक बॉडी में मॉइस्चर लॉक रखता है, और फ्रेगनेंस नहीं पसंद, बट थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाती है, स्किन में अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसकी फ्रेगनेंस इतनी ज़्यादा नहीं फील होती है। तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर पाई, और अभी भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा आपकी बहुत कम क्वांटिटी लगती है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगती है, बहुत अच्छा है, बहुत टाइम तक चल जाएगा। और हाँ, आपको इसको कम क्वांटिटी में ही यूज़ करना है, ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करोगे, आपकी स्किन टाइप ऑयली है और ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको थोड़ी सी हीट फील हो सकती है, ग्रीसीनेस फील हो सकती है आपको आपके बॉडी के ऊपर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्वांटिटी को अच्छे से यूज़ करें। अभी आपने देखा मैंने थोड़ा सा लिया और मेरे दोनों हाथों के लिए हो गया, तो मतलब आप समझ लो कि इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी खासी है। ऑल एंड ऑल ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इसकी हम रेटिंग की बात कर लें तो इसको 5 में से 5 रेटिंग मिलती है, मुझे बहुत पसंद आया। बट इसकी फ्रेगनेंस को अवॉइड कर सकते हैं, उसको ना देखते हुए अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो उसको 5 में से 5 रेटिंग मिलती है। विटामिन ई से रिच्ड है, इतने अच्छे से मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को बहुत अच्छे से, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। अवेल भी है और आपके बेबीज़ वगैरह सबके लिए है, बट इसका छोटा पैक पहले ट्राई करें, क्योंकि किसी लोगों को फ्रेगनेंस से प्रॉब्लम होती है।
फ्रेगनेंस के चलते वो प्रोडक्ट को यूज़ करते ही नहीं है। बुरी नहीं है बट बहुत ज़्यादा हाई है इसकी फ्रेगनेंस। अगर हम हटा दें तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और आप किसी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम मेंशन करें, मैं जल्द से जल्द उस प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। टिल देन बाय गाइस, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट एंड नोटिफिकेशन।